Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? Hope you all are fine. Alhamdulillah. तो आज हमारी बच्चों oral class है. आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आप दुआ पढ़िए, फिर मैं बताऊंगी. तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं हम? दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज. ओके, रिसाइट दिस दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा. आज की क्लास में हम सीखेंगे अजान के बाद की दुआ. यानी जब भी अजान होती है, आपको पता है 5 times अजान होती है, फजर में, जोहर, असर, मगरिब, इशा. अजान जब हो रही होती है तो हमें अजान के साथ साथ अजान का जवाब भी देना चाहिए, और जब अजान कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए. कौन सी दुआ, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजान के बाद की दुआ. अल्लाहुम्म رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. ये थी बच्चों अजान के बाद की दुआ. अब ये दुआ आपने वीडियो के साथ बार बार याद करनी है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जब भी अजान होगी आप अजान का जवाब देंगे. यानी जब अजान पढ़ते हैं, मौलवी साहब को पता है, जब पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, तो आप इनके साथ में कहने आते हैं अल्लाहु अकबर. बजाय सिर्फ इसके कि जब मौलवी साहब कहते हैं हय्या अलस फलाह और हय्या अलल फलाह, इन दोनों के जवाब में आपने कहना होता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ठीक है, उसके अलावा जैसे अजान दी जाती है सेम ऐसे जैसे आपने भी ऐसे अजान का जवाब देना होता है, और उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है. और आपको एक बात बताएं कि अजान के बाद हम जो भी दुआ मांगते हैं वो जरूर कबूल होती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने लिए आप अजान के वक्त दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से. ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त आप जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है. तो आपने जो है अब वो दुआ भी मांगनी है, और ये जो दुआ मैंने पढ़ाई है ये भी अजान के बाद पढ़नी है. ठीक है बच्चों, फिर मान लेंगे. अस्सलामु अलैकुम.